नमस्कार। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान में एक नए सियासी बवंडर की आहट सुनाई देने लगी है। इस सियासी बवंडर की जद में भाजपा और प्रदेश की मौजूदा सरकार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते कुछ दिनों में राजस्थान में जिस तरह से चिट्ठी पत्री का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा। दरअसल राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मीणा ने जयपुर के गांधीनगर स्थित ओल्ड MRC कैंपस और गांधीनगर में स्थित राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पर PP मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की हेरा फेरी होने की आशंका जताई है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने इस प्रोजेक्ट में कुछ अफसरों पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड यानी REDCC में मिलीभगत कर काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए CM के नाम एक पत्र लिखा है। किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र में लिखा है कि यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में NBCC और REDCC के माध्यम से वह सहपोषित आधार पर बनाई गई है। इसमें कुल 6 टावर बनाए जाएंगे, जिसमें 2 टावर निजी व्यक्तियों के द्वारा बेचे जाएंगे। मीणा ने कहा कि इस योजना में ना तो कोई रोड मैप है और ना ही पर्यावरण और मोर जैसे पशु पक्षियों का ध्यान इसमें रखा गया है। वर्तमान में इन सरकारी आवास में 3 ओलंपिक खिलाड़ी भी रहते हैं, जो ओलंपिक खेलों के लिए बाहर गए हुए हैं। ये ओलंपिक जून जुलाई में आयोजित होने वाले हैं। इसके चलते इन खिलाड़ियों के खेल पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधिपति भी का निवास है। यह बिल्डिंग VIP सड़क के पास बनाई जा रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस चिट्ठी के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। कृषि मंत्री ने इस चिट्ठी के जरिए सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा है, क्योंकि ये विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के दायरे में आते हैं। किरोड़ी ने सरकार को चेताया है कि इस योजना में 1146 करोड़ का नुकसान हो सकता है, इसलिए कैबिनेट मंत्री ने CM से तुरंत फाइल वापस मांगने के लिए लिखा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की इस चिट्ठी से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान की सीटों का जिम्मा भी संभाल रखा था। किरोड़ीलाल मीणा अपने जिम्मे वाली सीटों पर भाजपा की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। ये चुनावी सभाओं के साथ साथ कई मौकों पर साफ साफ कह चुके हैं कि यदि इन सीटों पर हार मिली तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की बात के बीच बीते दिनों दौसा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी मांग की थी। इन सब घटनाक्रमों से यह आशंका जताई जा रही है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। मालूम हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। CM बनने के बाद उनकी पहली परीक्षा करणपुर विधानसभा चुनाव की थी, जहां वो अपने मंत्री को चुनाव नहीं जीता पाए थे। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा राजस्थान में पिछला प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। ऐसे में 2 परीक्षाओं में फेल होने के बाद प्रदेश में नेतृत्व बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। खैर, 4 जून आने वाली है, परिणामों तक हम इंतजार करेंगे। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।